हेलो दोस्तों, एसके यूनानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे तिलाद शहंशाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम इसके फार्मूले की बात करेंगे। कंपनी ने किस फार्मूले से इसको बनाया हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे भी कंपनी ने दिया हुआ है, जैसे कि जावित्री, जायफल, अश्वगंधा, अजवाइन, दालचीनी, लौंग, बीरबहुति, मालकंगनी, तिल तेल और केसर युक्त। जी हाँ दोस्तों, केसर बहुत महंगी दवाई होती है, कंपनी ने इसमें केसर युक्त केसर भी मिलाया हुआ है। कंपनी की अगर बात करेंगे, अनमोल कंपनी इसको बनाती है, जो पूर्णतः आयुर्वेदिक दवाई है, देसी दवाई है। जो है दोस्तों, एमआरपी की अगर हम बात करेंगे तो एमआरपी कंपनी ने इसका लगभग 165 रुपये दिया हुआ है, और 15 + 3 18 ml की ये कंपनी ने ये तेल की जो शीशी है वो बनाई हुई है। कंपनी ने पैकिंग में भी दिया हुआ है 20% एक्स्ट्रा। जी हाँ दोस्तों, ये इन परसों में बहुत ही अच्छे फायदेमंद है। जो सेक्स समस्या जो समस्या होती है वो उत्पन्न हो जाती है, उस सेक्स समस्या को ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छा ये तिला है। इस तिले के सेवन से टाइम टेबल बढ़ जाता है, जो बचपन में जो गलती होती है, जो हस्तमैथुन अधिक हस्तमैथुन करते हैं, संभोग में से अधिक संभोग से भी ये कमी आ जाती है, हस्तमैथुन से भी ये कमी आ जाती है। तो इन पुरुषों के लिए ये बहुत ही अच्छी दवाई है दोस्तों। जैसे कि ये किन किन मर्ज में काम करेगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ बता देता हूँ। जैसे कि लिंग का टेढ़ापन, तिरछापन, और शक्ति में जो लिंग की जो कठोरपन है उसमें कमजोरी, और लिंग का अविकसित होना यानी कि सामान्य साइज से कम होना, पुरानी से पुरानी नामर्दी, हस्तमैथुन के कारण नीली नसों का उभर कर आना, शीघ्र पतन, रुकावट, स्वप्न दोष, जोश की कमी, ठंडापन, सेक्स की इच्छा न होना, काफ़ी प्रयास के बाद लिंग में उत्तेजना ना आना। जी हाँ दोस्तों, उत्तेजना, और जैसे कि लिंग मुरझा भी जाता है, रक्त संचार कम होता है, धात पड़ने लगती है, संभोग के समय लिंग का मुरझाना, संभोग में संतुष्टि न होना, संभोग के समय लिंग में कठोरता व दृढ़ता कमी, किसी भी कारण नसों में आई कमजोरी। जी हाँ दोस्तों, ये इन सभी समस्याओं में बहुत ही अच्छा काम करता है, और आप किसी भी यूनानी मेडिकल स्टोर से इसको आप परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये अनमोल तिला शहनशाही तेल है, उसकी मालिश करने से जो नसें हैं वो पूर्ण रूप से सुचारू तैयार हो जाती है, लिंग में कठोरपन आ जाता है, और जो हस्तमैथुन के कारण काफ़ी कमजोरी आ जाती है वो भी इसके सेवन से ठीक हो जाता है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी दवाई है, इसका सेवन करने से बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। प्रयोग विधि ये है कि इसकी 4 से 6 बूंद तेल लिंग के यानी कि आगे का हिस्सा छोड़कर, जो सुपारी का जो भाग होता है वो आगे का हिस्सा छोड़कर पीछे की तरफ मालिश करें, और 2 से 3 मिनट तक वो इसको हल्के हल्के मालिश करें। मालिश करने के बाद 1 घंटे बाद तक पानी न लगाएं। जी हाँ दोस्तों, आप इसकी मालिश करेंगे 2 से 3 मिनट तक, इसकी मालिश करने के बाद आप कोई भी 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर इसमें पानी ना लगने दें। जी हाँ दोस्तों, और अगर इसका कोई साइड इफेक्ट अगर होता है, जैसे कि कोई दाने वगैरह इस तरीके के या कोई लाल निशानी या चकत्ते से पड़ जाते हैं, तो दोस्तों इसका सेवन बंद कर दें। अगर ऐसी कोई समस्या आपके साथ नहीं होती है तो आप इसका सेवन लगातार करते रहें, बहुत ही अच्छी दवाई है। दोस्तों हमारा ये लक्ष्य रहता है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट की आप जानकारी आपको देते रहें, ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सके।